सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीपीए ऑफर्स इन सीपीए मार्केटिंग और सीपीए मार्केटिंग में कौन से ऑफर्स हैं जिनको आप फेस करोगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे क्या होता है तो इस वीडियो में बने रहो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय नेम इज टीएल, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले सीपीए मार्केटिंग के नेटवर्क एंड बात करने वाले ऑफर्स के बारे में, कौन से ऑफर्स यूज होते हैं। तो दोस्तों उससे पहले कुछ और चीजें मैं आपको लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। देखो बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी अपना जो दो पार्ट हो चुका है, ठीक है, उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, या वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड या वो अमेजॉन एफिलिएट से रिलेटेड मुझे डेली पांच दस मैसेजेस ऑन फेसबुक आ रहे हैं। देखो फेसबुक पे गाइस बहुत सारी काम होते हैं करने के लिए, ठीक है, फेसबुक मेरा ऑन डेली रहता है, ठीक है, डेली आपको वहां पर जो ग्रीन कलर का बटन है, ग्रीन कलर की लाइट है, वो दिख जाएगी, बट मैं वहां पर डेली लोगों को रिप्लाई करूंगी, ये मेरा डेली का काम नहीं है। सो प्लीज अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे करो, बिकॉज मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम मेरे मोबाइल में रहता है, तो मैं डायरेक्ट वहां, कभी भी मैं मोबाइल पे ऑन आता हूँ तो मैं वहां डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर देता हूँ। बट जब मैं फेसबुक पे ऑन रहता हूँ तो या तो मैं फेसबुक एड्स पे काम करते रहता हूँ, या किसी से मीटिंग करते रहता हूँ, या कुछ और काम में व्यस्त रहता हूँ, तो फेसबुक पे मैं जिन लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ उनसे बहुत बहुत सॉरी बोलूंगा। एंड प्लीज गाइस आप मुझे कॉन्टेक्ट करो ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की हैंडल ये है मेरा, बिल्कुल फ्री है, वहां आप मुझे पर्सनल चैट कर सकते हो। एंड अगर आपको पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको लगता है कि आप कहीं अच्छा मतलब पूछो तो बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग का ग्रुप है, नीचे एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप का लिंक है, जाओ उसको क्लिक करो, फ्री टू ज्वाइन है, फ्री में ज्वाइन करो, और वहां पर आप मुझे पोस्ट डाल के भी पूछ सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आप पर्सनल में ही बात करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि इंस्टाग्राम प्लीज वहां पर आप करोगे आज कल परसों, हो सकता है एक महीने बाद रिप्लाई करो, बिकॉज मैं धीरे धीरे देखता हूँ, धीरे धीरे वहां रिप्लाई करता हूँ यार, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो सिर्फ वहां एक पोस्ट डालने के लिए या पोस्ट देखने के लिए या स्टोरी डालने के लिए या चैट करने के लिए खोलता हूँ, बट जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो वहां एड लगाने के लिए, क्लाइंट्स मीटिंग एंड लोगों को अप्रोच करना, बहुत सारी काम मतलब फेसबुक पे करता हूँ, बट इंस्टाग्राम पे एक ही काम है। सो प्लीज वहीं कॉन्टेक्ट करो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को असुविधा ना हो, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी देयर। सो अब जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं, टॉपिक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स टाइप्स ऑफ ऑफर इन सीपीए मार्केटिंग, ठीक है, सबसे पहला जो है सीपीए, फिर जो है पीपीएल, फिर जो है सीपीएस एंड लास्ट जो है वो रेवेन्यू शेयर। ये चार प्रकार के आपको ऑफर मिलेंगे, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा लॉयल होकर आपके साथ बताऊंगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सीपीएल, पीपीएल और सीपीएस एंड रेवेन्यू शेयर, ये चारों ऑफर आपके सामने आते हैं, बट जब आप काम करने जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज पता रहेगा कि ये एक सीपीए ऑफर है, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आपको कंफ्यूज करूं या कुछ करूं, बिकॉज मैं ये बताऊंगा तो कुछ चीजें आपको लगेंगी यार ये भी तो सीपीए ऑफर है बट इसका जो मीनिंग है वो अलग क्यों जा रहा है, तो ऐसी कुछ चीज मैं नहीं करना चाहता हूँ आपके साथ, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जब आप काम करने जाओगे तो आपको एक ही चीज लगेगा कि ये एक सीपीए ऑफर है और वही आपको लगना चाहिए, बट आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको मदद करेगा जब आप टारगेट करोगे चीजों को, ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नॉलेज को कंज्यूम करके रखो और जब इसकी जरूरत हो तो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में यूज करो। सो प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखो। तो सबसे पहला जो ऑफर है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, सीपीएल कॉस्ट पर लीड इसमें क्या होता है और पीपीएल इसमें क्या होता है, कॉस्ट पर लीड और पे पर लीड, ठीक है, ये जो दोनों ऑफर्स हैं ये दोनों रिलेटेड हैं, सेम है एक दूसरे से, ठीक है, तो मैं अगर आपको सीपीएल समझाऊं तो मैं इस तरह कुछ समझाऊंगा, मान लो मैंने कोई कंपनी जस्ट लॉन्च की है अबाउट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर मैं बेचता हूँ, लाइक मैं बेचता हूँ चैटबॉट्स, तो अब मुझे चाहिए चैटबॉट्स के लिए मार्केट, मतलब चैटबॉट वाले कस्टमर, इट्स मीन डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटर जो रहेंगे वही चैटबॉट यूज करेंगे, तो अब मैं जाऊंगा मैक्स बॉन्टी या कोई भी सीपीए मार्केटिंग नेटवर्क के पास और मैं उनको बोलूंगा कि मुझे इतने कस्टमर चाहिए मेरे इस ऑफर में, जस्ट मैं उनको अपना ऑफर दूंगा,
फिर मेरे और आप जैसे जो लोग हैं वो वहां तक पहुंचेंगे, मैक्स बॉन्टी तक या किसी भी सीपीए नेटवर्क तक, और वो लोग वहां से उस ऑफर को पिक करेंगे, और वो जो ऑफर रहेगा मैं उस ऑफर को जब सीपीए नेटवर्क को दूंगा तो मैं बोलूंगा कि मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही लोग चाहिए, या यूएस के ही, या यूके के ही, मतलब किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लोग ही मुझे चाहिए। तो जब वो जो कंपनी है, जो सीपीए मार्केटिंग की कंपनी है, जब मेरे ऑफर को लिस्ट करेगी तो वहां पर वो मेंशन करेगी कि जब भी कोई भी जो सीपीए मार्केटर है इस ऑफर को पिक करे तब ये जो ऑफर है वो इस पर्टिकुलर देश में, मतलब यूएस में, कनाडा में, वहीं पर रन करें, बिकॉज जो नेटवर्क है, जो कंपनी है, उसको सिर्फ उस ही कंट्री का कस्टमर चाहिए, ठीक है। तो वो पूरा टारगेटेड रहता है, जो ये पीपीएल और सीपीएल है ये दोनों सेम है, बट बस में जो रहता है टारगेटिंग का गेम रहता है कि टारगेट इनका होता है कि एक जगह से, एक स्पेसिफिक जगह से इनको कस्टमर चाहिए। तो ये दोनों का यही एक डेफिनेशन है। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो सीपीएस, कॉस्ट पर सेल। तो कॉस्ट पर सेल, अब आपको पता ही चल गया होगा कि अगर आप पैसे कमाओगे तो सेल से कमाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट, आपको इसमें आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला जो प्रोडक्ट होगा वो हेल्थ से रिलेटेड होगा, मतलब वेट लॉस के प्रोडक्ट, और जो दूसरा होगा वो होगा मेकअप, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट रहते हैं, ये क्या होता है, जो कुछ कंपनीज रहती है वो सीपीए नेटवर्क को देते हैं अपने प्रोडक्ट, ताकि हम जैसे सीपीए मार्केटर उसको पिक करके सही कस्टमर तक पहुंचाएं। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें पर सेल का आपको पैसा मिलेगा, कॉस्ट पर सेल, तो मतलब सेल का पैसा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी ऑफर को पिक करते हो और उसके पर्टिकुलर कंज्यूमर तक ले जाके उसको पहुंचाते हो, तो जब वो ऑफर वहां तक पहुंचता है तो उसके बाद, मतलब जब वो आदमी उसको पिक करता है, अपना डाटा एंट्री करता है और उसको लेता है, तब ये जो प्रोडक्ट है वो उसके घर तक पहुंचता है, और वो कस्टमर जो है, जो आपका कंज्यूमर है, वो क्या करता है, सिर्फ अब उसका जो लाने ले जाने का पैसा होता है वो सिर्फ पे करता है, ना कि प्रोडक्ट का प्राइस, ना कि प्रोडक्ट की वैल्यू, जितना भी प्रोडक्ट का प्राइस था वो उसको पे नहीं करना रहता है, बस लाने ले जाने में जो चीज होती है उतना ही उसको पे करना रहता है। शिपिंग चार्ज, मतलब उसको शिपिंग चार्ज जो है वो ही बस पे करना रहता है, उससे ज्यादा उसको पे नहीं करना रहता है। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू शेयर। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट। सो गाइस, लास्ट इन द लिस्ट रेवेन्यू शेयर, और ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तड़कती फड़कती चीज मैं आपको बोलूंगा, और रेवेन्यू शेयर एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है। मैं बोलूंगा, अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो मैं बिल्डर का एग्जांपल लूंगा। अगर बिल्डर को आप नहीं जानते हो तो आपको उसको जानने के लिए नीचे एक वीडियो है, उसको क्लिक करके देखना पड़ेगा कि बिल्डर क्या है। और ऐसे अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो बिल्डर एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या होता है, इस डिजिटल सॉफ्टवेयर को, मतलब डिजिटल टूल को, एक डिजिटल टूल है जिसमें आपको वो सारे टूल्स मिलते हैं जिससे आप सारा, मतलब जितना भी डिजिटल में काम होता है, चाहे वो सीपी मार्केटिंग हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, हर चीज को करने के लिए पूरे टूल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इन टूल्स को यूज करने के लिए हमें हर महीने कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग को $50 हर महीना देना पड़ता है, $50। तो अब ये क्या होता है, रेवेन्यू शेयर। तो अब बिल्डर क्या हुआ, बिल्डर को कस्टमर चाहिए। तो गाइस, बिल्डर गया कि सीपी नेटवर्क के पास और उसने कहा कि मुझे कस्टमर्स चाहिए, तो आप मुझे कस्टमर ला के दीजिए। अब क्या करेगा, कोई भी सीपीए नेटवर्क जो है वो उसके जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर देगा। बात गाइस क्या होगा, हम जैसे जो सीपीए मार्केटर है वो वहां तक पहुंचेंगे, उस प्रोडक्ट को पिक करेंगे और हम उसको सही कस्टमर तक ले जाएंगे। अब क्या होगा, जब उस कस्टमर तक हम उसको ले जाएंगे, अगर उस कस्टमर को वो चीज पसंद आएगी वो उस चीज को खरीद लेगा। अब क्या होगा, अब जैसे कि वो रिन्यू, मतलब बार बार उसको पैसे देने हर महीने। तो जैसे ही, मतलब पहला जैसे कि सेल हुआ तो उसमें हमको कुछ 50% मिल रहा है या 100% मिल रहा है, जैसे $50 के $50 मिल जाएंगे अगर 100% हमको कमीशन मिल रहा है, तो हम लोग को एक बार 100% कमीशन मिल जाएगा। अब जब वो नेक्स्ट टाइम रिन्यू करेगा, मतलब नेक्स्ट महीने फिर वो $100 खरीदेगा, तो फिर से हमें $100 मिलेगा, जितना ही परसेंट वो कंपनी आपको देगी, चाहे वो 50%, चाहे वो 100%, चाहे वो जितना परसेंट दे, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो जितना परसेंट देगी वो आपको बार 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 मिलते रहेगा जब जब वो बंदा उस चीज को रिन्यू करेगा। तो ये सबसे गजब का ऑफर होता है, बट इसको सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है मैं बोलूंगा, बट
जिन लोग इसको सेल करने में कामयाब हो जाते हैं उनको काफी अच्छा खासा मदद मिलता है पैसे का और पैसिव इनकम का। और इसमें जो गाइस आपको ऑफर्स मिलेंगे वो ऑफर्स होंगे आपके इंश्योरेंस के आपको ऑफर ज्यादा इसमें मिलेंगे। तो गाइस ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। बाय बाय। जय हिंद।